जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिक्स यानी इसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम 8 तरह के क्वेश्चन या जो भी मेथड थे वो हम समझ चुके थे। सबसे पहले हमने देखा था क्या, माध्य यानी समांतर माध्य। इसके बाद देखी थी हमने क्या, माध्यिका। फिर आए थे हम बहुलक। फिर आए थे माध्य विचलन। माध्य विचलन कितने, दो प्रकार का, एक तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और एक माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, विचरण या प्रसरण, जिसे वेरियंस कहते थे। इसके बाद देखा था हमने क्या, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, विचलन गुणांक। तो हम आज आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन ज्ञात करो। इसका हमें मानक विचलन निकालना है कि इसका मानक विचलन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के बाद निकालेंगे क्या, माध्य विचलन। माध्य विचलन के बाद निकालेंगे विचरण। विचरण के बाद निकालेंगे मानक विचलन। तो इतने तरीकों से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, टेबल बनाएंगे। जैसे हम वहाँ टेबल बनाते थे ऐसे ही यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले x यानी आपको पद दिए हैं, पद कितने दिए हैं ये हम लिख लेंगे। कितने हैं, 11, 7, 10, 13 और 9, ये आ गया पद। अब ये आपके पद हैं, हम इसका निकाल लेते हैं माध्य, क्योंकि माध्य की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य क्या, कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 11, 7, 10, 13 और 9, इन्हें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का कर देंगे भाग। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा माध्य यानी मीन। अब इसे हम जोड़ लेंगे, इसे इससे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। इसको इससे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 और 20 40 और 10 कितना हो गया, 50। यानी 50/5 कितना आ गया हमारा माध्य, 7। माध्य कितना आ गया, 10। देखिए 11 और 9 कितना हो गया, 20, और ये 7 और 13 कितना हो गया, 20। यानी 20 20 दूनी 40 और 10 50, 50/5 तो माध्य आ गया 10। माध्य आ गया हमारा 10। अब क्या करेंगे, माध्य में से यानी x माइनस m, ये माध्य को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये मोड में है आपका, इसके बाहर आएगा तो जो भी संख्या आएगी प्लस में हो जाएगी। यानी 11 माइनस 10 कर देंगे, मोड के बाहर आएगी कितना हो जाएगी, 1, किसका, प्लस का। 7 माइनस 10 कर देंगे, माइनस का आएगा लेकिन मोड के बाहर आएंगे, कोई भी संख्या मोड से बाहर आती है तो प्लस में हो जाती है। ऐसे ही 10 माइनस 10 करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 0। 13 माइनस 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 9 माइनस 10 कर देंगे कितना हो जाएगा, 1। ये क्या आ गया इसके अंदर, यानी x माइनस m ये आपने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है माध्य विचलन। तो क्या करेंगे, अब इसका करेंगे हम स्क्वायर, किसका, x माइनस m का करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया, 10 और 10 20। यानी x माइनस m का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 20। ये हमारा आ गया 20। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे क्या, विचरण। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विचरण। विचरण का सूत्र मैंने बताया था आपको क्या होता है, विचरण
बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स माइनस के एम का होल स्क्वायर बटे एन, ये होता है। और इसके बाद मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन का सूत्र ये होता है कि जो ये ऊपर दिया है ये सब आपका किस में आ जाता है, अंडर रूट में, यानी एक्स माइनस के एम का स्क्वायर बटे एन, ये हो जाता है। तो ये 20 दिया है, ये आपका सिग्मा एक्स का मान, यानी सिग्मा ये आपका मॉड एक्स माइनस एम की पावर होल स्क्वायर का मान आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे अब विचरण। देखिए आपको मॉड में एक्स माइनस एम की होल स्क्वायर बराबर 20 दिया है, इसका मान 20 आ गया है, और एन बराबर आपको टोटल पदों की संख्या कितनी दी है, 5 है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, विचरण वेरियंस कितना दिया है, 20 बटे आपको एन की संख्या कितनी दी है, 5, यानी विचरण कितना आ गया, 4। विचरण कितना आ गया, 4। हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, मानक विचलन का आपका सूत्र दिया है, यानी इसी का स्क्वायर करना है, यानी मानक विचलन इसका सूत्र आपको दिया है, क्या कि इसका मान निकाला था लेकिन ये किस में आएगा, रूट में। तो इसका मान तो आपका 4 आ गया है, लेकिन जब मानक विचलन निकालेंगे तो किस में आएगा, रूट में, यानी 4 का रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। ये क्या आ गया आपका, मानक विचलन, ये क्या हो गया, आंसर, यानी आपका मानक विचलन कितना आ गया, 2, ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरी क्लास दी जा रही है, नेकपाल के लिए रामबाण, एनटीपीसी नेकपाल के लिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि मानक विचलन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका ले लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आपको दिया है 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8 की माध्यिका बहुलक और माध्य क्या होंगी, आपको इसकी माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है, क्या होंगे। देखिए क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए कीजिए, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक है, जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, इसको शेयर करते जाइए, ठीक है। अब आपको दिया है कि इसकी माध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए और माध्य निकालिए, ये आपको तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य, फिर निकालेंगे माध्यिका, फिर और निकालेंगे बहुलक, या सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, माध्यिका, सबसे पहले निकालेंगे क्या, माध्यिका यानी मीडियन, क्या निकालेंगे, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें किस क्या करना पड़ेगा, इस संख्याओं को किस में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में, किस क्रम में, आरोही क्रम में। हमारे कितने नंबर हैं, इन नंबर्स को हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 लिख लिया, फिर क्या है, 7, फिर क्या है, 7 के बाद 8, 8 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, यानी 8 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर लिखना है 9 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार। तो 9 लिखना है, 1, 2, 3 और कितनी बार है, 4 बार। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, संख्याओं को गिनना है, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं, यहाँ भी गिन लेंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 अंक हमारे ऊपर हैं, 9 यहाँ हैं। अगर आपने वहाँ आपके 10 अंक होते यहाँ 9 लिख लेते तो गलत हो जाता, ठीक है। अब माध्यिका क्या है, माध्यिका होता है कि आपकी पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या दो तरीके से होती है, या तो आपके पद होने चाहिए ऑड, या होने चाहिए क्या, सम, यानी या तो पद आपके विषम हो या आपके सम हो,
जब आपके पद विषम होते हैं तो निकलती है संख्या n प्लस 1 बाई 2 से, और जब आपके पद सम होते हैं तो निकलती है संख्या n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2। यहाँ पद कितने हैं, n बराबर सम है, तो माध्यिका निकालेंगे यानी मीडियन, स्मॉल m से दर्शा देते हैं। n बराबर संख्या पदों की कितनी है, 9, एक जोड़ देंगे बटे 2 का गुणा, कितना आ गया पांचवे पद का मान। अब पांचवें पद का मान क्या है, यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी पांचवें पद का मान कितना है 8, यानी माध्यिका कितनी आ गई हमारी, माध्यिका यानी मीडियन कितनी आ गई हमारी, मीडियन आ गई हमारी 8। अब हम निकालेंगे क्या, अब हमें निकालना है बहुलक, कि बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है कि जो अंक आपका जितनी अधिक बार आए वही क्या होता है, बहुलक यानी मोड होता है। तो यहां आप देखेंगे इसी डेटा में आपको क्या दिया है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 8 3 बार है, और 9 कितनी बार है, 4 बार है। यानी इस डाटा में आपका सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा यानी मोड, मोड क्या होगा आपका 9। अब निकालना है हमें क्या, माध्य, क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य का सीधा सा मतलब होता है माध्य, माध्य बराबर होता क्या है, माध्य यानी मीन। मीन का होता है कि जो आपको संख्याएं दी हैं टोटल संख्याओं का योग, या क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, क्या बटे कुल संख्या। तो हम माध्य निकालेंगे, अब क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। तो 9 चौकों कितना हो गया 36, 8 तिया कितना हो गया 24, 7 5 कितना हो गया 12। 36 और 24 में जोड़ देंगे तो 4 और 6 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आएगी 1, कितना हो जाएगा 60। अब 60 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 60 में 12 जोड़ने पर कितना हो गया 72। संख्याएं कितनी है 9, 9 का इसमें भाग दे देंगे तो माध्य क्या आ जाएगा आपका 9, 8, 72, यानी माध्य क्या आ गया 8। अब यहां देखेंगे मीन कितना आ गया, मीन आ गया 8, यानी आपका ऑप्शन क्या है 8, 9, 8। 8, 9, 8 किसमें है, इसमें 9, 9 है, 9, 8, 9 है, 8, 9, 8। तो यही क्या है हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आंसर। यहां तक सब समझ गए होंगे, तो लिख लें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बढ़िया सा क्लास को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी क्या निकालें, परिसर यानी रेंज बताएं, और दूसरे में आपसे पूछा गया है कि मानक विचलन ज्ञात करें। तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब अंतर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, सबसे छोटा क्या है 1, तो रेंज क्या हो जाएगी 7-1 बराबर, यानी परिसर कितना आ जाएगा 6। अब निकालना है हमें 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन, ठीक है। अब यहाँ आपसे स्पेशल तौर पे नहीं कहा गया है कि माध्यिका के सापेक्ष निकालिए या माध्य के सापेक्ष निकालिए, तो हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, माध्य के सापेक्ष निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पद लिख लेंगे, पद क्या है हमारा x, कितना है 10, 11, 12, 9 और 8, ठीक है। इसके बाद निकालना है हमें x माइनस m, फिर क्या निकालना है x माइनस m का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो सबसे पहले m निकालना है, m का मतलब है माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी 20 20 दूनी 40 और 10 50। तो माध्य निकालना है 50/5, 50/5 माध्य कितना आ गया 10, माध्य कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या करना है, इस जो आपके x यानी ये पद दिए हैं, इस x में से m माइनस करना है, यानी माध्य को माइनस करना है, घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 10 माइनस करना है, फिर 11 में से 10 को माइनस करना है, फिर 12 में से 10 को माइनस करना है, फिर 9 में से 10 माइनस करना है, फिर 8 में से 10 घटाना है, और यहाँ बराबर में लिख देना है, ठीक है। लेकिन बराबर में जब आप लिखेंगे तो जो मोड के अंदर ये चीज़ होती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जब भी मोड से कोई चीज़ बाहर आएगी तो वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यानी 10 में से 10 गया 0, 11 में से 10 गया बचेगा क्या 1, 12 में से 10 गया क्या 2, 9 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस का, लेकिन कहाँ किसका लिखेंगे प्लस का, 8 में से 10 गया क्या बचेगा 2 प्लस का। अब इसी का करना है हमें स्क्वायर, यानी 0 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब हम इन सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 10, यानी इसका मान क्या आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है, विचरण। विचरण का सूत्र क्या होता है, विचरण बराबर होता है, विचरण बराबर होता है सिग्मा या मोड एक्स स्क्वायर बटे एन, और माध्य विचलन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी बराबर क्या होता है अंडर रूट में, ये विचरण का अंडर रूट होता है, यानी एक्स माइनस एम का स्क्वायर बटे एन। और हमसे पूछा है माध्य विचलन, तो सीधे माध्य विचलन निकाल लेंगे, अंडर रूट एक्स 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 माइनस एम का स्क्वायर आपको दिया है कितना आ गया 10। संख्याएं आपको दी हैं कितनी है नंबर, एन मतलब नंबर कितने हैं 5, 5 से इसे काट देंगे कितने बार अंडर रूट 2, ये क्या आ गया आपका आंसर, अंडर रूट क्या आ गया 2 आंसर। तो ये क्या आ गया मानक विचलन आ गया। इसे नोट कर लेंगे, जब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के देता हूं, इसे आप लोग नोट कर लें। और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, कीजिए यार, क्लास शेयर करते रहें, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लें, प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, तो जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, जब तक आप लोग नोट कर लें। अब आप प्रश्न लिखेंगे 5, 3, 6, 9, 11, 19 व 1 की माध्यिका क्या है, इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपको देता हूँ, ए में लिखिए 5, बी में लिखिए 6, सी में लिखिए 9 और डी में लिखिए 11। इसका आप लोगों को आंसर निकालना है कि इसकी माध्यिका क्या है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसकी आप लोग क्या निकालेंगे माध्यिका, जो आपको एक प्रश्न दिया है इसकी आप लोग माध्यिका निकालेंगे कि माध्यिका क्या आएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्रम देखने हैं कि क्रम क्या है, ये आपका 19 है। सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं हम क्या,
आरोही क्रम, किसमें लिखते हैं? आरोही क्रम में। इन सबको आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे छोटा क्या होगा? एक। सबसे छोटा क्या होगा? एक। फिर इससे बड़ा तीन, फिर इससे बड़ा पाँच, इससे बड़ा छः, फिर इससे बड़ा नौ, फिर इससे बड़ा ग्यारह, फिर इससे बड़ा उन्नीस। अब क्या करना है देखिए, अब आपको पद गिनने हैं कि आपके नंबर कितने थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ क्या सात ही नंबर यहाँ पे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर वहाँ थे, सात ही नंबर यहाँ हैं। अब सात नंबर हैं यानी एन बराबर क्या है? सात, जो कि क्या है? विषम। जब विषम हो तो माध्य का कैसे निकालते हैं? एन प्लस वन बाई टू वे पद का मान, टू वे पद का मान। तो एन बराबर कितना है? सात प्लस एक बराबर दो, यानी आठ बटे दो बराबर चौथे पद का मान। चौथे पद का मान देख लेंगे कितना है, एक दो तीन चार यानी छः। तो मीडियन क्या आ गई आपकी? छः। ये क्या आ गया? आंसर। या आपको ऐसे नहीं करना है तो एक तरीका और है, माध्यिका का मतलब होता है मध्य का मान, यानी बीच का मान, सबसे बीच का मान, ठीक है? माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान। तो बीच का मान कौन सा है? देखिए सात पद हैं यानी तीन पद यहाँ हैं, एक दो तीन यहाँ से काट देंगे और तीन पद पीछे से काट देंगे, एक दो तीन, तो क्या आ गई? छः। यही आपकी माध्यिका है। और अगर यहीं पे आपको सम होती, जैसे हम इसमें एक और बढ़ा देते, क्या करते, एक दो तीन, तीन के बाद क्या, पाँच छ नौ ग्यारह उन्नीस। अब कितनी हो गई? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यानी हमने दो बढ़ा दिया, अब आठ पद हो गए। आठ पद का मतलब है कि तीन यहाँ से, एक दो तीन, और तीन यहाँ से, एक दो तीन, बीच में क्या पद बच रहे हैं आपके? पाँच प्लस छ बटे दो, ग्यारह बटे दो, यानी क्या हो गया? पाँच दशमलव पाँच ही आ गई आपकी माध्यिका। सम हो तो ऐसे करेंगे, विषम हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, आपको फिर से दो प्रश्न दिए गए हैं, आपको जल्दी से करना है। एक प्रश्न सरल, दूसरा कठिन। एक सरल एक कठिन, ऐसे करके हम जितने भी आपके स्टैटिक्स में प्रश्न बनते हैं सारे तरीके के प्रश्न निपटा लेंगे। आपको इन दो या तीन क्लास या जितनी भी क्लासें होंगी, लगभग पाँच छः क्लास के लगभग हो जाएंगी, क्योंकि इनमें तो अभी आपको ये स्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो क्या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान निकालना सिखा रहे हैं, इसके बाद आप आएंगे क्या, बटन, बटन का बारंबारता, बारंबारता क्या होती है, वर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत बारंबारता, और क्या करेंगे, बटन का बारंबारता, इन तरीके के हम भी प्रश्न करेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे, स्टैटिक्स में ये केंद्रीय प्रवृत्ति के जो प्रश्न बनते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, विचलन गुणांक, माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष विचलन, तो ये कर रहे हैं, ठीक है? क्लास को शेयर अच्छे से कर दें कि जो भी आपके दोस्त हैं मित्र हैं उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है? ये सोच के नहीं पढ़ना है कि कौन पढ़ा रहा है, ये देखना है कि ज्ञान क्या हो रहा है, कहाँ से हमें मिल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझे, प्रश्न तो आपको मिल रहे हैं, इन्हें तो आप देख के आप अपने आप से लगा सकते हैं, आपकी तो प्रैक्टिस ही होने वाली है, ठीक है? अब हमें इसका निकालना है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे अधिक बार आए, तो सबसे अधिक बार देखना है। इसमें दो कितनी बार आया है? एक बार। चार कितनी बार आया है? एक बार और दो बार। पाँच कितनी बार आया है? एक बार, दो बार और तीन बार। तीन कितनी बार आया है? एक बार और दो बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? पाँच। एक बार, दो बार, तीन बार, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक हो जाएगा। अब आपको दिया है कि वितरण का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, विचरण गुणांक क्या होगा? अब आपको विचरण गुणांक बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि विचरण गुणांक क्या होगा इसका, अगर आपको आता है तो इसका विचरण गुणांक निकाल लीजिए। देखिए, अब मैंने आपको एक सूत्र सबसे लास्ट में लिखाया था, आठवें नंबर पर, विचरण गुणांक क्या, विचरण
गुणांक, ये क्या होता है एसडीएम, क्या होता है एसडीएम इंटू 100। एसडीएम का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। इसका अर्थ क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, क्या है मानक विचलन, और इसका मतलब है माध्य, एम का मतलब क्या है माध्य। अब आपको क्या निकालना है विचरण गुणांक, यानी आपका मानक विचलन कितना है, तो यहां पे आपको मानक विचलन कितना दिया है 7 दिया है, यानी मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 7 है, और माध्य कितना है तो यहां पे माध्य आपको 21 दिया है, इंटू क्या कर देंगे 100, 7 × 7 = 21 कितना हो गया 1/3 × 100, इससे से काट देंगे कितना आ जाएगा 33.33%, या इसी को कहते हैं 33 सही 1/3%। यदि आपसे भिन्न में पूछे, भिन्न में पूछे तो 1/3, भिन्न में पूछेगा तो क्या आ जाएगा 1/3, परसेंटेज में पूछे ऐसे या 33 सही 1/3। ये एनटीपीसी के लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी में भी स्टैटिक्स पूछी जाती है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में स्टैटिक्स के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज तक आए ना हो और ना आए। चलिए दोस्तों, आपको दो क्वेश्चन फिर से दिए गए हैं, इन्हें भी करें। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न संख्याओं की माध्यिका 2.5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको डाटा दिया है। तो दोनों प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से हल कर दें, इस प्रश्न को हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट का समय ले लीजिए और इसको हल कीजिए। जब तक आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। अब देखते हैं कितने लोग निकालते हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं कि मानक विचलन उनका आया है या नहीं आया है, विचरण निकालना है आपको इसका। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, अब ध्यान से देखेंगे, नहीं आया है तो ध्यान से समझ लेंगे। मैंने बताया था आपको क्या मानक विचलन, मानक विचलन अगर एक बार आपकी समझ में नहीं आया और आपने अच्छे से नहीं समझा तो कभी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी चीज़ है, ठीक है। ये मानक विचलन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होता है अंडर रूट x में m माइनस m की पावर होल स्क्वायर बटे n, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या बताया था, ये अंदर वाला मान क्या बताया था, विचरण बराबर मैंने क्या बताया था x माइनस m का होल स्क्वायर बटे n। ये किसका सूत्र है, ये विचरण का है, ये मानक विचलन का है, यानी अंडर रूट के बाहर है तो विचरण है और अंडर रूट के अंदर आ गया तो मानक विचलन है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये यहाँ इसके अंदर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर रख सकते हैं, यानी मानक, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर इसका मान तो ये अंदर दिया है, इसकी जगह पे विचरण रख दें विचरण, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट विचरण, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर विचरण, अंडर रूट है। अब हमने कह दिया कि दोनों ओर क्या कर देंगे, हम दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब इस साइड वर्ग होगा तो इस साइड तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर
और इस साइड वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड वर्ग होगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे मान। आपसे पूछा है विचरण क्या होगा, ठीक है, आपको मानक विचलन का मान दिया है, कितना दिया है, इसका मान दिया है 6.5, इसका करेंगे स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, विचरण। अब कहोगे गुरु 6.5 का स्क्वायर भी नहीं आता, चलो स्क्वायर भी करते हैं, आज इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने का सिंपल सा तरीका है क्या, कि सबसे पहले करेंगे 6 या क्या करेंगे 5, इसका करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 6 का स्क्वायर इसमें करेंगे, इसमें कर देंगे, ठीक है, यानी 6 × 5 = 30, इन तीनों का गुणा कर देंगे, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, एक अंक छोड़ के यहाँ 60 जोड़ देंगे, 5 का 5, 2 का 2, 6 × 2 = 12, 2 हाँ से लाई, 1 इसमें मिला दी, कितना हो गया 4225। लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगा है, स्क्वायर चढ़ा है, यानी कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद, यानी 42.25 क्या आ गया विचरण, ये क्या आ गया आपका आंसर। अब आपसे पूछा है, ये नीचे वाला प्रश्न दिया है आपको, कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। आप लोगों ने इसकी माध्यिका निकाल ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं माध्यिका, पद गिन लेते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी पद कितने हैं, सम हैं, 12 हैं, 12 का आधा क्या होता है 6, 6 का मतलब है कि 5 पद यहाँ से हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 पद हटा दो पीछे से, 1, 2, 3, 4, 5, पद क्या बचे 2, लेकिन आपको माध्यिका कितनी दी है 2.5 बराबर 2 + x/2, अस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 × 5, 5 = 2 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये क्या आ गया आंसर। चलिए इसकी शॉर्ट ले लेंगे, इसकी बेहतरीन तरीके से वो शेयर कर देंगे। देखो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, एक बार शेयर कर दें, अपना भी परिवार बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आपको फिर से दिए गए हैं, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है माध्य, दूसरे प्रश्न में आपको आंकड़ा दिया गया है और इसका आपको मानक विचलन निकालना है। इससे पहले आपने विचरण निकाला था, अब निकालना है आपको मानक विचलन। चौथे प्रश्न में आपको निकालनी है माध्य का, ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आप लोग करेंगे और करने के बाद आप लोग देखेंगे कि पहले आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए कि आपके प्रश्न सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। अगर गलत आ रहे हैं तो इन्हें एक बार सॉल्व करके हम आपको बताएंगे, और सही आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने स्टैटिक्स में समझ में आ गया है, ठीक है। तो पहले का निकालना है माध्य, माध्य का मतलब होता है हम इन सबको जोड़ के क्या करेंगे, जितनी संख्या है उनसे भाग दे देंगे। तो पहले इन्हें जोड़ लीजिए, 1, 9, 10, 7, 17 और 3, 20, 20, 5, 25 और 6, 31, 4, 35, 35 और 2 कितना हो गया, 35 और 10 कितना हो गया, 45, यानी माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है, मीन यानी समांतर माध्य, टोटल क्या है 45 और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं गिन लीजिए कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, संख्याएं कितनी हैं 9, 9 से इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 5, 5 क्या आ गया आपका माध्य, तो ये क्या हो गया आंसर। इसके बाद आपको दिया है कि आंकड़े के एक सेट का विचरण 121 है, तो आंकड़े का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ±11, 11, 21 और 60.5। तो मानक विचलन यानी विचरण बराबर क्या होता है, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी मानक विचलन का स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या दिया है कि मानक विचलन निकालना है और आपको विसरण दिया है, ठीक है। तो विसरण आपको दिया है कितना, 121। इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 में हो जाएगा। इसका इस साइड जाएगा तो 1/2 में हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 121 कितना होता है, 11 का। क्या आ जाएगा, 11, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये प्लस माइनस में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्या आएगा, 11। इसके बाद आपको दिया है क्या, ये आपको आंकड़ा दिया है और माध्य का आपसे पूछी है। सबसे पहले इस आंकड़े को हम लिखेंगे क्या, आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस का 5, फिर क्या होगा, माइनस का 3, फिर क्या होगा, माइनस का 2, इसके बाद क्या आएगा आपका, 0, फिर क्या आएगा, 1। देखिए क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 0 हो गया, इसके बाद आएगा 1, 1 आ गया। इसके बाद लिखेंगे क्या, 4, फिर से क्या है, 4, फिर से क्या है, 5, किसका, प्लस का, फिर क्या है, 7, फिर क्या है, 10। यानी अंक जोड़ लेंगे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंक यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक वहाँ पे हैं, 10 अंक यहाँ पे हैं। क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4 यहाँ से काट देंगे, 4 पीछे से काट देंगे, 1, 2, 3, 4, बचा क्या, 1+4/2 यानी 5/2 कितना हो गया, 2.5 यानी 2.5। ये क्या आ गई आपकी, मीडियन। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, फिर से प्रश्न देखते हैं, ये क्या आ गई आपकी, मीडियन आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आपको 3 प्रश्न फिर से दिए गए हैं दोस्तों, इन्हें आप कर दें जल्दी से। इन्हें भी आप लोग सॉल्व कर दें। पहले दिया गया है कि यदि जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि एक वितरण का माध्य 11 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक बताइए। और तीसरे प्रश्न की आपको माध्य का निकाल ली है, तो इसे आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लें। देखिए आपको दिया है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो विचरण गुणांक, विचरण क्या होगा। तो विचरण बराबर होता क्या है, विचरण बराबर होता है एस डी का होल स्क्वायर। एस डी का मतलब है मानक विचलन। तो मानक विचलन कितना है आपका, 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 49। ये आ गया आपका विचरण, सी क्या हो जाएगा, आंसर। अब आपको दिया है कि एक वितरण का माध्य 11 है, मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक बताइए। अब विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, ये सब, ये जो आपको ये सूत्र ये समझाए जा रहे हैं, जो भी लिखाए जा रहे हैं, ये पहला पार्ट डला है स्टैटिक्स का, पहला पार्ट यानी क्लास 1, उसमें आपको ये सब मिलेगा बिल्कुल डिटेल से। विचरण गुणांक ये आपको उसी में सब मिल जाएगा, अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये डाला गया है, ठीक है। तो इस बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है एस डी एम इंटू 100। एस डी का मतलब है मानक विचलन, मानक विचलन कितना है 5, एम का मतलब है माध्य, माध्य कितना है 11, गुणे क्या कर देंगे 100। अब इससे इसे काट देंगे, कितने बार कट जाएगा, 5 गुणे कितने बार कट जाएगा, 11×99 यानी 9.09 बार। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 9×5 45, इसका इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, 0.45%। ये आ गया आपका आंसर।
इसके बाद आपको दिया है कि इसकी माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम इसमें लिख लेंगे। लिख लीजिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में एक, फिर तीन, चार, पाँच, छ, आठ, आठ, नौ, जोड़ लेंगे कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। यहाँ पे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ का मतलब हुआ कि तीन अंक यहाँ से काटिए, तीन अंक यहाँ से काटिए, बीच में क्या बचा, पाँच प्लस छ बटे दो कितना हो गया, ग्यारह। ग्यारह का मतलब कितना हो गया, 5.5। ये कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था कि यदि सम संख्या हो, यदि नंबर क्या हो, सम, तो क्या होता है, n बाई टू प्लस 1 बाई टू, यानी जे n बाई टू में पद का मान, यानी पाँच में पद का मान कितना है, पाँच, और छः में पद का मान कितना है, छः बटे दो। तो माध्यिका कितनी आ गई, 5.5, और इसका आंसर कितना आया, 45.45। तो ये तीन प्रश्न आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्लास को देखो गुरु शेयर जरूर कर देंगे। ऐसा नहीं है बिना शेयर करे काम नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको निकालना है क्या, पहले प्रश्न में आपको निकालना है माध्य विचलन। माध्य विचलन आपसे पूछा नहीं गया, स्पेशली आपसे ये नहीं कहा गया है कि माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष या माध्य के सापेक्ष निकालिए। अगर आपसे कहता कि 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन माध्यिका या माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, तो हम निकालते। अब यहाँ उसने स्पेशली आपसे नहीं कहा है कि माध्यिका या माध्य के सापेक्ष निकालिए, तो हम क्या करेंगे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम क्या, माध्य। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं माध्य, कितना हो गया, 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 10, 40 और 9, 49। यानी मीन क्या हो गया, मीन हो गया आपका 49। 49 में कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सात का क्या कर देंगे, भाग, 7 × 49, यानी 7 क्या आ गया, माध्य। अब 7 आ गया आपका माध्य। अब इस माध्य को हमें क्या निकालना है, जैसे आप ये तो आपके एक्स यानी पद हो गए कितने, 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5। अब हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस के एम यानी माध्य निकालना है, ठीक है, क्योंकि माध्य विचलन बराबर क्या होता है, माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर होता है एक्स माइनस के एम बटे एन। तो इसका मान निकालना है, अब निकालिए, 3 में से 7 करेंगे, ये आपका मोड के अंदर है लेकिन बाहर आएगा, इस मोड के अंदर है बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 10 में से 7 गया क्या बचा, 3। 10 में से 7 गया क्या बचा, 3, माध्य घटा रहे हैं, 3। 4 में से 7 गया क्या बचा, 3। 7 में से 7 गया क्या बचा, 0। 10 में से 7 गया क्या बचा, 3। 5 में से 7 गया क्या बचा, 2। अब इसे हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 4, 3, 7, 7, 3, 10 और 3, 13, 16, 17, 18। कितना हो गया, 18। निकालना क्या है, माध्य विचलन, माध्य विचलन निकालना है, यानी इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 18। पद कितने हैं, 7, कितना आ गया, 18/7। ये क्या हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया है कि 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना है कि सबसे अधिक बार हमारा कौन सा पद आया है। तो देखिए एक कितने बार आया है, एक और एक 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ इसमें देखेंगे 9 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी सबसे अधिक बार क्या आया है, 9। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माध्य विचलन हो जाएगा। अब आपको ये पद दिया है
कि 7, 21, 2, 17, 3, 13, 7, 4, 9, 7, 9 की माध्य का ज्ञात कीजिए। पद कितने हैं पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे पहले क्या आएगा? दो। फिर दो के बाद क्या आएगा? तीन। फिर तीन के बाद क्या आएगा? चार। फिर चार के बाद पांच है कहीं? नहीं है। छह है? नहीं है। सात। क्या आएगा? सात। एक बार सात, दो बार सात, तीन बार सात। इसके बाद सात के बाद क्या रह गया हमारा? नौ। यानी एक बार नौ, दो बार नौ, एक बार नौ, दो बार नौ। इसके बाद क्या रह गया है? तेरह। फिर तेरह, फिर क्या रह गया है? सत्रह। सत्रह, इसके बाद क्या रह गया है? इक्कीस। यानी इसके बाद लिख लेंगे इक्कीस। पद गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 पद हैं। अब पद क्या है? विषम। यानी एन का मान कितना है? 11। 11 क्या है? विषम। तो क्या करेंगे? एन प्लस वन बाई टू वे पद का मान, टू वे पद का मान 11 है। तो 11 प्लस 1 बटे 2 यानी 12, 12 यानी 6 वे पद का मान, 6 वे पद का मान। 6 में पद का मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में पद का मान क्या है? 7। यानी 7 क्या होगी हमारी? माध्य का होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसे एक बार आप अभी देखिए, अभी क्लास में सवाल कर लेते हैं, फिर एक बार जब आप जैसे एग्जाम होगा उससे पहले 2-3 दिन पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा, या अभी, या आप अभी 3-4 दिन बाद फिर से इसे रिवीजन करते हैं इसका, और 21 दिन के अंदर फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपको लास्ट के आज के 4 प्रश्न हैं स्टैटिक्स में। ये पहला प्रश्न करेंगे, ये दूसरा है, ये तीसरा प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न है। चारों प्रश्न के आंसर आप लोग देंगे, क्या होने वाला है। पहला प्रश्न आपको दिया है कि यदि किसी वितरण का मानक विचलन 6 है तो उसके विचरण गुणांक का मूल्य क्या है। तो विचरण गुणांक का मूल्य आपको बताना है। इसके बाद आपको ये डेटा दिया है, इसकी माध्य का ज्ञात करनी है। ये आपके ऑप्शन है। ये आपको डेटा दिया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। और चौथे प्रश्न में कहा गया है कि वितरण का माध्य 13 है और मानक विचलन 7 है, तो विचलन गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, आप लोग पूछ करके क्वेश्चन लगाइएगा, मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। देखिए, आपको दिया है कि यदि किसी वितरण का मानक विचलन 6 है तो उसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर होता है क्या? मानक विचलन, यानी मानक विचलन का स्क्वायर। तो विचरण गुणांक निकालना है, मानक विचलन आपको दिया है 6, यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 36। ये क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ये क्या है? 36 आंसर। इसके बाद आपको ये डेटा दिया है, इसकी आपको निकालनी है माध्य का। माध्य का निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस डाटा को लिखेंगे आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे कि इसमें सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा इसमें है आपका क्या? 12। तो सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर क्या लिखेंगे? 13, फिर लिखेंगे 13, फिर 13 के बाद आपका क्या है? 13 के बाद है आपका 22। क्या लिखेंगे? 22। इस 22 को भी लिख लिया। अब 22 के बाद आप लिखेंगे क्या? 22 के बाद लिखेंगे 31। 31 को लिख लिया। 31 के बाद लिखेंगे क्या? 36। तो इस 36 को आपने यहाँ पे लिख दिया। अब 36 से बड़ा क्या है? 36 के बाद लिखेंगे आप 43 एक बार, और ये 43 दो बार, यानी 43 एक बार और 43 दो बार, ठीक है। अब 43 से बड़ा क्या है आपका? इसके बाद 43 से बड़ा क्या है? ये 53 एक बार, 53 दो बार,
यानी क्या लिखेंगे, 53 एक बार, 53 दो बार, ठीक है। इसके बाद 53 के बाद आएगा आपका चौवन, ये चौवन आ गया। चौवन के बाद आएगा आपका क्या, 66, 66 के बाद क्या आएगा, 67, 67 के बाद क्या आएगा, 68 है नहीं, क्या है, 77। इस 77 के बाद आपका क्या आएगा, 97, फिर क्या आएगा, 98, फिर क्या आएगा, 97 नहीं आएगा गुरु। इस 77 के बाद आएगा आपका क्या, 90, ये 90 आएगा, फिर आएगा 97, फिर क्या आएगा, 97, फिर क्या आएगा, 98। अब हम संख्याएं गिन लेंगे कितनी हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ भी गिन लेंगे कितनी हो रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यानी n बराबर क्या हो रहा है, n बराबर आपका क्या है, सम, संख्या कितनी है, 16। तो क्या करेंगे, 16/2 + 16/2 + 1/2, ये क्या है, ऊपर बेपद का मान, यानी 16 में 2 का भाग देंगे कितना, 8वे धन 8 और 1 9वे पद का मान, 9वे पद का मान बटे 2। अब देखेंगे 8वे पद का मान कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें पद का मान कितना है, 53, 9वें पद का मान कितना है, 53, 53 बटे 2 कितना हो आ जाएगा आंसर, 53, यानी माध्य का कितनी आ गई आपकी, 53, ठीक है, 53 आ गई माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है, ये कौन सा प्रश्न हो गया, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया है कि बहुलक ज्ञात करिए, बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार है वही क्या होता है, बहुलक। तो 3 कितने बार है, 1 बार, यहाँ क्या है, 4, 4 कितनी बार है, 2 बार, यानी 1, 4 ये है, 1, 4 ये है, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लास्ट का प्रश्न करा रहे हैं, अब देखेंगे लास्ट का प्रश्न। आपको दिया है कि वितरण का माध्य 13 है, मानक विचलन का मान 7 है, तो विचलन गुणांक बताइए, क्या बताना है, विचलन गुणांक बताना है। तो विचलन गुणांक बराबर क्या होता है, विचलन गुणांक, विचलन गुणांक बराबर होता है SDM इंटू 100। SDM का मतलब है मानक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, M का मतलब है मीन यानी माध्य, ठीक है। तो मानक विचलन गुणांक निकालना है स्टैंडर्ड, यानी मानक विचलन कितना है, 7, यहाँ 7 रख देंगे, और माध्य का मान कितना है, 13, गुणे कर देंगे 100, कितना आ जाएगा, 700/13, इससे इसको काट लेंगे, जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका विचलन गुणांक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी स्टैटिक्स की जितने भी आपके केंद्रीय मान, यानी केंद्रीय मान या प्रवृत्ति के आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैंने इस दोनों क्लासों में करा दिए हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा क्या, नेक्स्ट क्लास में होगी आपकी बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता बटन का बारंबारता, माध्य का आंकड़ों का वर्गीकरण, वर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता, अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता और संचयी बारंबारता, बारंबारता संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या निकालते हैं, माध्य का के जोड़ के निकाल देते हैं, वो आपको सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत। क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा।